नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y22 2022 वर्सेस Infinix Note 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y22 में 6.47 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Y22 में 3 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y22 में 0.33 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y22 में 190 ग्राम जबकि Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y22 में IPS LCD जबकि Note 12 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y22 में 20:1:9 जबकि Note 12 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y22 में 6.55 इंचेस जबकि Note 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y22 में 720x1612 और Note 12 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y22 में 82.84% जबकि Note 12 Pro 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y22 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 22 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y22 में Mali G52 MC2 जबकि Note 12 Pro 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y22 में MediaTek Helio G70 और Note 12 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Y22 में 4GB जबकि Note 12 Pro 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y22 में 64GB जबकि Note 12 Pro 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y22 में अप टू 1TB जबकि Note 12 Pro 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y22 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Note 12 Pro 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो वीवो Y22 2022 में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 प्रो 5G आगे है, मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 12 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11S है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A Sport है, तीसरा Xiaomi Redmi 10A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C30S है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।